वेलकम टू स्टडी सरस्वती एडुकेशन। आज हम संज्ञा और उसकी परिभाषा और उदाहरण कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा की परिभाषा। ओके, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा शाब्दिक अर्थ होता है नाम किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है। संज्ञा के बारे में पता चल गया होगा। व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, भाव, स्थान, इन सब को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के उदाहरण, रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। यहाँ पर खुश और आनंदित भाव है और रमेश माता पिता व्यक्ति, स्कूल घर स्थान है। ये स्कूल और घर स्थान, ये सुन गले लगाना ये क्रिया हो गई। एक आदि संज्ञा आई है। तो अगला हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने इसमें भाववाचक संज्ञा पढ़ा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थान। ठीक है, और पढ़ा है हमने क्रिया के बारे में भी। ठीक है, तो ये सब हो गए। तो अगला सबसे पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, हाँ, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी व्यक्ति का संपूर्ण बोध होता है, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण, मोटर साइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर इत्यादि। अगला है भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो वह भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कुछ उदाहरण, गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, दुख इत्यादि। भाववाचक संज्ञा बनाना है इसमें। भाववाचक संज्ञा चार प्रकार से बनाई जा
सकती है। जाति वाचक संज्ञा से सर्वनाम से विशेषण से क्रिया से। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मित्र मित्रता, पुरुष पुरुषत्व, पशु पशुता, पंडित पंडित्य, धनुज धनुष, सेवक सेवा, नारी नारीत्व, भाई भाईचारा आदि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो हो गया पराया परायापन, सर्व सर्वस्य स्व, निज निजित्व। ओके, यहाँ पढ़े अगला। हाँ, विशेषण से संज्ञा बनाना, मीठा मिठास, मधुर मधुरता, चौड़ा चौड़ाई, गंभीर गंभीरता, मूर्ख मूर्खता, पागल पागलपन, भला भलाई, लाला लाली आदि। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। उड़ान ना उड़ान, लिखना लेख, खोदना खुदाई, बढ़ना बाढ़, कमाना कमाई, घेरना घेरा, खापना खपत, बचना बचाओ, नाचना नाच, पढ़ना पढ़ाओ, लूटना लूट। ठीक है, लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी एक विशेषण व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेषण स्थान वस्तु या व्यक्ति का नाम पता चले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण भारत गोवा दिल्ली, भारत महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण गीता, रामचरितमानस आदि। अगला, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? इस शब्द इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द से शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी विशिष्ट या वस्तु समूह या एक वर्ग जाति के समूह को दर्शाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण गेहूं का ढेर, लड़की का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण गेहूं, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, इसकी लिंक दे दूंगा आपको। थैंक यू।